काही ना आपले तो परचेस करते आयडिया सारे होता है एनवर्ड अज्यूम करवा गाइस स्टार्ट फास्ट डोंट टॉक हेलो बात मत करो फटाफट लैंड एंड बिल्डिंग क्या डाउट है बोलो मेरे को कितना टका है 5% मशीनरी डॉट है सब नंबर पर अरे हाँ टैली बात करें फटाफट करो बात करते अगला दो लेक्चर है ना मैं आने नहीं देगा वो दो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल एडजस्टमेंट वुड बी कवर्ड डोंट टॉक
माइनस फ्रॉम क्रेडिट सी डेटर्स पे पहले व्हाट यू विल सब्ट्रैक्ट एफबीडी बराबर है 32,800 में से 800 गया बचा 32,000 उस पे यू कैलकुलेट लेस एन आर डी डी कितना है 5% 1600 ना तो आउटर कॉलम आएगा 30,400 अगर सपोज एनआरएफ डीडी भी होता है ये सब न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अभी अभी किया ना हमने आज अगर वो भी होता तो वो कौन से अमाउंट पे होता 30,400 एक और आता नीचे 30,400 पे 2-3-4% जो भी है फिर आउटर कॉलम ओके तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले एफबीडी फिर एनआरडीडी फिर एनआरएफ पहले खराब को हटाओ फिर डाउटफुल को हटाओ नेक्स्ट ईयर वाले और फिर जो गुड डेटा है जो डिस्काउंट मांगे उस पर यू क्रिएट एनआरएफ ओके रिमेंबर दैट ऑर्डर कीप दैट इन माइंड और क्रेडिटर्स पे माइनस एनआरएफडीसी क्रेडिटर्स आर कितना 35,000 लेस एनआरएफडीसी 2% है कितना परसेंट 2% वैसे तो एसेट है लेकिन आपको लगता है कि इतना पैसा कम देना पड़ेगा 2% वन नहीं बर, नहीं बराबर 700 रुपया 700 आ रहा है 34,300 इन द आउटर कॉर्नर इज दैट राइट 2% 700 मिला 34,300 इन द आउटर कॉर्नर यू गॉट दैट देन हाँ बाकी अभी फिल कर सकते हो एफपीडी 800 एनआरडीडी 1600 ओआरडीडी 1000 2400 आ रहा है ये आउटर कॉल चेक What is stock of stationery, you know? Prepaid. Prepaid ही है, बच गया है ना इतना नेक्स्ट ईयर काम है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स
डिस्काउंट पे पूरा फॉर्मूला लिखना क्योंकि यू हैव रीडिंग है ना डिस्काउंट अलाउड टू टू डिस्काउंट अलाउड पे कुछ नहीं है डिस्काउंट अलाउड राइट इट एज इट एडवर्टाइजमेंट वेर यूल पुट एडवर्टाइजमेंट ऐसे और उधर क्या लिखना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इनर कॉलम 14,000 लेस रिटर्न ऑफ कितने साल का था चार साल का था ना 1/4 तो 3,500 इन द आउटर कॉलम इसका नोट बना लो सब लोग नीचे वर्किंग नोट वर्किंग नोट वन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दैट इज 14,000 रिटर्न ऑफ वुड बी 14,000 डिवाइडेड बाय 4 3,500 दिस इज लाइक डेप्रिसिएशन मतलब यू आर स्पेंड इट फॉर 4 जैसे आप इमेजिन करो आपने चार साल का फर्नीचर खरीद के रखा है फर्नीचर लिया है जिसकी लाइफ इज 4 ईयर तो थोड़ा 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 डिप्रिशिएट करके लिखते हो ना पीएनएल में वैसे ये थोड़ा थोड़ा पीएनएल में डालते रहो खाली फर्क इतना है कि वो चार साल चलेगा इसमें गारंटी नहीं है कि चार चले साढ़े चार चले साढ़े तीन चले तो दैट्स व्हाई डेफर्ड रेवेन्यू वैसा ट्रीट करते फिक्टिशियस एसेट भी कहा जाता है इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या फिक्टिशियस एसेट ओके आई नॉट सर्टन अबाउट द बेनिफिट्स एग्जैक्ट 4 ईयर लास्ट करेगा कि नहीं फिलहाल तो 1 साल का हटा दो अगले 3 साल में भी कितना भी चले आगे पता चलेगा आपको आने वाले साल एनआरएफडीसी का फॉर्मूला लिखे प्रैक्टिकल बहुत कम बहुत है नहीं होता है मोस्टली थियोरिटिकल कंसेप्ट 100 में से 1-2 बिजनेस कभी कोई करता है एनआरएफडीडी एंड आरडीडी रेगुलर कंसेप्ट डिस्काउंट रिजर्व भी रेयरली क्रिएट होता है बैड डेट्स रिजर्व भी मोस्टली क्रिएट होता है ये थियोरिटिकल थियोरी में है काफी सारी चीजें हैं जो नहीं होती है प्रैक्टिकल बट इट इज वॉट इट इज है तो करना पड़ेगा करो बिकम एजुकेशन मिनिस्टर सेक्रेटरी देन डू द और गो अब्रॉड एंड स्टडी इसमें दिल्ली इज डूइंग वेरी गुड वर्क इन एजुकेशन काफी दिल्ली में बहुत इम्प्रूव किया एजुकेशन लास्ट 5-7 ईयर्स ड्रास्टिक चेंज उसका वर्ल्ड लेवल पे उसका ये किया है दिल्ली का स्कूल सिस्टम है उसका गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स हैव बीन मेड बेटर देन द प्राइवेट स्कूल्स ऐसा कर दिया उसने दिल्ली का बजट भी 30,000 करोड़ का 60,000 करोड़ किया 5 साल में डबल कर दिया बजट टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज किया वो करप्शन नहीं करता है ना वो ब्रिज बनाने का एक काम है तुमको 300 करोड़ लगता है सब बिचौला खा देता है वो 100 करोड़ में बना दिया 200 करोड़ डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी में फ्री कर दिया जीरो करप्शन बहुत हैवी चीज है ये सब मल्टीपल जगह पे पैसा घुस जाता है ना तो पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है पॉलिसीज आर ऑल गुड लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो खाते जाता है हर एक लेवल पे खाते 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 पब्लिक तक बेनिफिट आता ही नहीं है वो उसने पूरा हटा दिया तो दैट मेक्स यू इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्री कर दिया है अप टू 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री वाटर इज फ्री बस फेयर फॉर लेडीज इज फ्री ट्रेन फेयर फॉर लेडीज इज फ्री स्कूल टिकट्स फॉर और ऐसा नहीं है कि बर्बाद करके सब फ्री में स्पॉइल कर रहा है वो बजट भी टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव हो रहा है उसका तो मेन थिंग इज करप्शन करप्शन खाने वाला पब्लिक सब हट गया हाँ डेट भी क्लियर किया है उल्टा डेट महाराष्ट्र में डेट बढ़ रहा है उल्टा 4 गुना इसलिए ना ये करप्शन आप देखेगा ना डेवलपमेंट एंड करप्शन को हैंड इन हैंड नेट पे सर्च करना मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड करप्शन का इंडेक्स चेक करना जो मोस्ट डेवलप्ड है ना वो लीस्ट करप्ट है
इंडिया कम्स करप्शन का रहेंगे 135-140th रैंक आता है वर्ल्ड में 200 कंट्रीज सरप्राइज्ड और मतलब इतना हैवीली करप्ट है वो ऐसा हाँ मोस्ट करप्ट ऐसा देख रही है अगर टॉप 10 में आता है मोस्ट करप्ट कंट्रीज में इंडिया टॉप 10 वैसा हाँ लीस्ट करप्ट कंट्रीज आर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज फिनलैंड नॉर्वे नेदरलैंड्स फिर यूएसए कनाडा ये सब आ जाता है यूके आ जाता है दीज आर ऑल द न्यूजीलैंड आ जाता है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है दीज आर द लीस्ट करप्ट चाइना आ जाता है चाइना इज इन टॉप 20 लीस्ट करप्ट ये लोग सब डेवलपमेंट में भी आगे है टॉप इंडिया वाले इधर भी पीछे उधर भी चाइना डिक्टेटर नहीं है कॉम्युनिस्ट बट कॉम्युनिज्म में भी है ना वो टू इन द ईयर 1992 पर पर्सन का पर कैपिटा इनकम सीखा है तुमने इकोनॉमिक्स में एक जन का इनकम 92 में चाइना और इंडिया का सेम था और एट प्रेजेंट इंडिया का पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $2,500 और चाइना का इट इज $9,500 फोर टाइम और उसका पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है बट करप्शन में टॉप 15-20 कंट्रीज में आता है लिस्ट करप्ट कंट्रीज में चाइना लिस्ट करप्ट अरे तो समझ नहीं रहा है पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाला वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उसका जीडीपी भी बढ़ रहा है साथ ही ऐसा नहीं कि जीडीपी कम हो रहा है ओवरऑल कंट्री का भी जीडीपी है जीडीपी तो फोर्स लेवल है वो तो पूरा फूड फोर्स लेवल नहीं है कौन बोला फोर्स लेवल है प्रेजेंट वर्क है पूरा ये सब बाहर पिक्चर है ना पब्लिक को दिखाया जाता है इंडिया में सब चाइना में जबरदस्ती काम करवाते हैं बॉन्डेड पीपल आर हैप्पी ओवर देयर वो तुमको खाली कंपेरिजन फील गुड करने के लिए अपना इनकम कम है वो लोग को जबरदस्ती करवाते हैं हम लोग नहीं करवाते हम लोग राजी सब कुछ नहीं दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन करप्शन इज द की जीरो कर बहुत कम करे क्या है डेट ग्लोबल डेट में एक ही कंट्री ऐसा चाइना है जिसका ट्रेड सरप्लस है यूएसए के सामने यूएसए इज टेकन डेट फ्रॉम चाइना अराउंड $700-800 billion का सरप्लस करता है चाइना का तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता सो एवरी वे इट इज इम्प्रूविंग एवरी वे अगेन उधर है ना मेन रीजन है करप्शन का कैपिटल पनिशमेंट है मतलब करप्शन में पकड़ा गया ना सीधा जेल में डाल दे इधर क्या है अपना फाइनेंस का फ्रॉड के लिए जेल तो बहुत दूर का बात फांसी चढ़ा देते हैं उधर करप्शन इधर तो भाग जाते हैं हाँ वो चलो बड़ा बड़ी वन मिनट सर बुक डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल कौन सा फ्री सैंपल कौन सा कैलकुलेटर बोर्ड पे देखो सी बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और इधर टू फ्री सैंपल ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट या टू एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड तो भी चलेगा 1000 अलग से दिखाना दिख रहा है ये फ्री सैंपल देखा बोर्ड पे ट्रेडिंग क्रेडिट पी एन एल डेबिट अलग से वो एडवर्टाइजमेंट उधर अलग से एफपीडी एनआरडीडी लिखा था हमने
एनआरएफटीसी का फॉर्मूला देख लो, बाय डिस्काउंट रिसीव प्लस एनआरएफटीसी माइनस ओआरएफडीसी. ओके, सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज नील, राइट. एनआरएफटीसी कितना मिला है? 700. ओआरएफडीसी है नील. आउटर कॉलम 700. ये फॉर्मूला क्लियर है? न्यू रिजर्व एड ओल्ड रिजर्व सब्ट्रैक्ट. डेप्रिसिएशन बोलो ना मेरे को टोटल पढ़ा. 3 3 3 3 5 0 83 5 0 कितना आया? 83,000 टोटल इज 84,200 33,700 एड 198,700 ये नहीं लेना 198,700 एंड टैलीज ऑन 2,650 ये नोट किया है एडवर्टाइजमेंट 2,650 ध्यान से देख लो. बोनस साइड किया चेक, एसेट साइड चेक, चेक प्रॉपर. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझा इधर तुमको. मेन थिंग वाज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एनआरएफटीसी. इज दिस क्लियर? ध्यान से देखना सब प्रेजेंटेशन. कल 3 बैचेस है, 8 वही अपना रेगुलर. कल हॉलीडे 8:30 एंड 11. नहीं हॉलीडे नहीं है सर. एक मिनट, बुक दिखाओ, जाओ दो सम होना चाहिए और होमवर्क सम चाहिए.